ये राजनीति है, कोई किसी का सगा नहीं। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरेरी वेलन को रिहा कर दिया है। 30 साल बाद जेल से छूटे पेरेरी वेलन ने अपनी रिहाई को अपनी मां के कठिन संघर्ष का नतीजा बताया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया, लेकिन कांग्रेस पेरेरी वेलन की रिहाई के लिए केंद्र सरकार को कसूरवार ठहरा रही है। क्यारे को आज रिहा कर दिया। तथ्य बड़े स्पष्ट हैं और जिम्मेवार सीधी मोदी सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरेरी वेलन की रिहाई का फैसला सुनाया और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जश्न शुरू हो गया। खुशी में झूमते थानथाई पेरियार द्रविड़ कड़गम के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आतिशबाजी शुरू कर दी। लोग एक दूसरे के गले मिलने लगे, मिठाइयां बांटने लगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और 30 साल बाद जेल से निकले पेरेरी वेलन को शुभकामनाएं दी। இந்த தீர்ப்பின் மூலமாக மிக கம்பீரமாக நிலைநாட்டப்பட்டிருக்கிறது. மாநில அரசினுடைய கொள்கையில அதனுடைய முடிவில் ஆளுநர் தலையிட அதிகாரம் இல்லை என்று மாண்புமிகு நீதியரசர்கள் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார். இது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று. सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पेरेरी वेलन को रिहा करने का आदेश दिया है। पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेगी तो हम उसे रिहा कर देंगे। दरअसल तमिलनाडु कैबिनेट ने पेरेरी वेलन की रिहाई की सिफारिश राज्यपाल को भेजी थी, लेकिन राज्यपाल ने उस दया याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया और उसे राष्ट्रपति को भेज दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, जब जेल में कम समय की सजा काटने वाले लोगों को रिहा किया जा रहा है तो केंद्र पेरेरी वेलन को रिहा करने पर सहमत क्यों नहीं हो सकता। प्रथम दृष्टया कोर्ट को लगता है कि राज्यपाल का फैसला गलत और संविधान के खिलाफ है, क्योंकि वह राज्य मंत्रिमंडल के परामर्श से बंधे हैं। उनका फैसला संविधान के संघीय ढांचे पर प्रहार करता है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए पेरेरी वेलन को रिहा करने का आदेश सुना दिया। एजी पेरेरी वेलन की सजा और पैरोल के दौरान उनके आचरण को लेकर कोई शिकायत नहीं मिली थी, लिहाजा अदालत ने 9 मार्च को ही उसे जमानत दे दी थी। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई मोदी सरकार के कारण हुई है। श्री राजीव गांधी जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी थी, राजीव जी ने कांग्रेस नहीं देश के लिए कुर्बानी दी थी, और अगर उनके हत्यारों को आज की सरकार अपनी छोटी और सस्ती राजनीति के लिए रिहा करवाने को अदालत को हालात पैदा कर देगी तो यह अपने आप में अति दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री परम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था, जिसमें राजीव गांधी की जान चली गई थी। महिला की पहचान धनु के तौर पर हुई थी। न्यायालय ने मई 1999 के अपने आदेश में चारों दोषियों पेरेरी वेलन, मुरुगन, संथन और नलिनी की मौत की सजा को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2014 को पेरेरी वेलन, संथन और मुरुगन की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।